भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर से 18 महीने के बाद रिहा कर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उनमें से 7 भारत लौट आए हैं और ये भारत के लिए एक कड़ी कूटनीतिक जीत है। कतर की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिकों को आखिरकार 18 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 8 में से 7 लोग पहले ही भारत लौट चुके हैं। जनवरी में इन अधिकारियों की मौत की सजा को अलग अलग अवधि की जेल की सजा में बदल दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करते थे और जो कतर में हिरासत में थे। 8 में से 7 लोग भारत लौट चुके हैं। इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को लेकर कतर के अमीर द्वारा लिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो हुक्मरान हैं, उनके साथ बहुत ही व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं। आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी अगर ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो हैं, तो उसके साथ ही साथ वो पूरी दुनिया के विश्व के मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, और उनकी पर्सनल उनका रेपो और पर्सनल फ्रेंडशिप उनके साथ तमाम हुक्मरानों के साथ है। उसका नतीजा है कि समय समय पर, तमाम संकट के समय, तमाम कंटक के समय देश को बहुत उसकी राहत मिली है, देश को उसका बहुत फायदा मिला है। और नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत है उसका नतीजा है कि जो कतर का भी डिसीजन हुआ है। वेल, इट इज अ रेड लेटर डे टुडे, एवरीथिंग कम्स टू अ क्लोजर। इट इज ह्यूज काइंड ऑफ अ विक्ट्री फॉर एमईए हु हैव बीन साइलेंटली येट वेरी स्ट्रांगली परसुइंग द केस, फाइटिंग इट इन कतर, एंड अल्टीमेटली दे अचीव द एम ऑफ गेटिंग अ रिलीज ऑफ ऑल द 8 वेटरन्स, 7 ऑफ हुम हैव ऑलरेडी कम, and the arrival of the 8th is awaited. It clearly shows the heft of India, the quiet diplomacy. आपको बता दें कि जब अक्टूबर 2023 में कतर की अदालत ने सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी, तो भारत में जमकर हंगामा मचा था। विपक्ष ने इसे सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया। वहीं सरकार ने लगातार इस बात को दोहराया कि वो कूटनीतिक बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकाल लेगी। इसके बाद लगातार दोनों देशों में पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक बातचीत होती रही। कुल मिलाकर एक बार फिर विदेशी जगत में भारत के कूटनीति की बड़ी जीत हुई है। पूर्व सैनिकों पर आरोप था कि वो इजराइल के लिए जासूसी करते हैं। हालांकि इस बात का कतर पर कोई भी सबूत नहीं है। फिलहाल भारत की कूटनीति की जीत के बाद विदेशी मंच पर भारत का डंका बजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।